हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन मून ब्लैक 2। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ड्रिफ्टवेल के टूर्नामेंट को आई गेस जीत लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था। आई मीन लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ड्रिफ्टवेल सिटी के जिम लीडर को हरा दिया था, सोफिक्लिस को हरा दिया था। उसके बाद PWT में पार्टिसिपेट किया था, PWT मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट। यहाँ पे हम लोगों ने हमारी ड्रिफ्टवेल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके हम लोगों ने उसको जीत लिया था काफ़ी इजीली, बिकॉज हमारे पोकेमॉन काफ़ी ओवर लेवल थे और मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर ली, थोड़ी बहुत की है, ज़्यादा नहीं की है मैंने। और आई गेस PWT में हम लोगों ने लास्ट में कॉलरस के साथ हमारी फ़ाइट हुई थी, लेकिन इसको बहुत इजीली मैंने हरा दिया था। एंड उसके बाद कुछ टीम स्कल के बंदे आए थे जो कि नीचे भागे, तो हम लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे यहाँ पे। और वेट, मैं आपको मेरी टीम दिखा देता हूँ। हम लोग बाकी को आगे रखेंगे जस्ट इन केस उसका लेवल थोड़ा कम है, और हम लोग इस शिप में जाने वाले हैं, बिकॉज आप लोगों ने मेरे को बता के रखा था कि यहाँ पे हमारे टीम स्कल के साथ फ़ाइट होने वाली है। दिस शिप, वाई इज़ इट सो कोल्ड? ओके, एंड इट सीम्स लाइक इट डिसगाइज्ड एज एन ओल्ड सेल बोट, बट दैट कांट बी राइट। ओके, टीम स्कल के बंदे आ चुके हैं। वाई शुड यू केयर? बाय द टाइम वी आर डन विथ यू इट वॉन्ट मैटर एनी वे। ओ, इनके और भी बंदे आ रहे हैं यहाँ पे। यू गाइस सीरियसली, दिस इज टीम स्कल्स पीस। ओके, हम लोगों को घेर लिया। करेक्ट आंसर, सो दैट्स वाई एज यू कैन सी। अरे बाप रे, बहुत लोग आ गए। देयर आर सो मेनी ऑफ अस हियर। इज दिस ऑल? आई थिंक यू नीड मोर बैकअप। आउच, आई एम सो स्केयर्ड, बिग टफ गाय। ओके, पल्वराइज दीज पंक्स। स्कल, हे, जस्ट लेट मी नो, आई एम अबाउट टू अनलीश माय रेज। ओके, तो आई गेस यू आर फर्स्ट। आ जाओ, आई एम रेडी। और हाँ, मैंने अपने बाकी को एक नया मूव सिखा के रखा है, लो स्वीप सिखा के रखा है। ये पता है, ये काफ़ी अच्छा मूव है एज़ कम्पेयर टू फोर्स पाम। फोर्स पाम काफ़ी वीक हमला था यार, लाइक उसका एक तो PP 10 था, सो दैट्स वाई उसका PP 10 ही था। एंड डैमेज तो दोनों सेम ही देते हैं 60-60, बट उसका PP लाइक यूजेस काफ़ी कम थे, बट एज़ कम्पेयर टू लो स्वीप वो ठीक ठाक है। नेक्स्ट, हरी अप ऑलरेडी। इट्स माय टर्न, एक्चुअली इट्स रिवेंज टाइम। ओके, तेरे पास एक गुड रहा है, आई सी। लेट मी यूज शॉर्ट डांस। बॉडी स्लैम से मुझे कुछ होगा तो नहीं ब्रो? चल क्विक अटैक मार के खत्म करेंगे तेरे को। एक स्नोरेंट आ रहा है, इसी को रखेंगे, बिकॉज वैसे भी हम लोगों ने इसके ऊपर वो यूज़ कर लिया था शॉर्ट डांस, तो इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा है। लियो पार्ड, ओके, या फिर लाइफ पार्ड। गया, ये तो बचेगा ही नहीं। डार्क टाइप होता है ये पोकेमॉन, डार्क है ना, आई गेस नॉर्मल टाइप होता है। गोली सपोर्ट 44 का हो चुका है। मैंने उसको एक्सपी शेयर दिया था। व्हाट्स विद दिस ट्रेनर? दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट ट्रेनर हु मेस्ड विद अस 2 ईयर्स अगो। ओके, अभी मुझे क्या करना है? क्या मुझे यहाँ से निकलना है? इट्स 2-1 नाउ। ओ मी, आई वुड लाइक टू शो देम व्हाट द 2 of us कैन डू, सो कुड यू हेल्प मी आउट? हाँ ठीक है, कर लेते हैं, चलो। आई गेस फिर मेरे को नीचे भी उसकी मदद करने जाना पड़ेगा। मेटैंग और एक स्नीजल। वैसे लो स्वीप मेरा ख़त्म होने वाला है, बट ठीक है, कोई बात। अरे रे, इसने तो इसी को देख लिया। ठीक है, इसके पास एक सीजोर है, सीजोर ब्रोकन है यार। स्वॉर्ड डांस यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल तो, और फिर मैं बोन रश मार के ख़त्म कर दूँगा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस बैटल। मक, यू आर फिनिश्ड, एज आई सेड। ओके, ख़त्म। ये भी चले जाएगा, कोई बात नहीं। हरा दिया इन लोगों को। थैंक्स, यू हैव रियली बिकम मच स्ट्रॉन्गर, हेल्प आउट ग्लेडियर नेक्स्ट। ओके, हाँ मुझे लगा ही था। आ जा ब्रो, आई एम गोना एंड दिस, सो बैक मी अप। ओके स्कलपंक, आर यू द थीफ हु स्टोल ओलंपिक्स इन एस्पर्टिया सिटी 5 years बैक? ओके, आएंगे इसे बैटल के बाद हमको पता चलेगा, इनके पास थोड़े ज़्यादा पोकेमॉन है।
वेट आई कैन टारगेट क्रॉक बिकॉज वो एक डार्क टाइप होता है। अरे वैसे तो लो स्वेप की पीपी कभी बहुत कम बाकी है, बट ठीक है। सर्वाइवर की नहीं 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 वेट, बोन रश काम कर जाएगा यहाँ पे। दो ही बार हिट क्यों किया ब्रो? गोली सपोर्ट खाली फुकट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। लेट्स ट्राई यूजिंग, ओके बाकी फाइनली फेंट हो गया हमारा। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू पिक माय न्यू पोकेमॉन, ऑब्वियसली गोली सपोर्ट। इसको मैंने एक नया अटैक सिखा के रखा है जिसका नाम है एक्सीजर्स, और ये पिन मिसाइल भी सीखा है, बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ एक्सीजर्स जो कि ज़्यादा कुछ काम नहीं आया। कोई नहीं, विजिंग, लेट मी यूज़ आयरन डिफेंस। इसके पास फिलहाल ओ आई गेस अब ठीक है बिकॉज आयरन डिफेंस इसका ये तगड़ा हो गया रहेगा। डिफेंस माइटियाना के लिए एक्सीजर्स यूज़ कर सकते हैं बिकॉज डार्क टाइप के सामने बग टाइप सुपर इफेक्टिव होता है। पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? यही है कि नाइट के टाइम पे डार्क होता है और नाइट में बग्स को मतलब बग्स देख सकते हैं, लाइक दे हैव नाइट विजन और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई बग टाइप आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट डार्क टाइप। आई नो कोई सेंस नहीं बनाता बट स्टिल। हे यू आर किडिंग, दिस इज़ नो गुड, व्हाट शुड वी डू? दैट्स द लास्ट ऑफ देम। वेल नाउ व्हाई डोंट यू टेल मी एवरीथिंग यू नो अबाउट अवर पिक्स? गुड आइडिया, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट एज वेल। What is going on? ये कौन है? ओ गुड ग्रीफ, यू आर द पर्सन हु वॉज हेल्पिंग लूसामिन राइट? वॉजंट योर नेम फेबा? यू आर गोइंग टू हैव टू टेल मी वॉट यू आर प्लानिंग टू डू विद द शिप। यू, दिस टाइम वी विल यूज द लेजेंडरी पोकेमॉन एंड वी विल रूल द यूनोवा रीजन। क्यूरियस ट्रेनर्स, वी शॉल नॉट लेट यू रन अराउंड एज यू प्लीज। Shadow Trade, get them out of here. Oh, इस बार Shadow Trade के कपड़े भी अलग हैं। By the way, we are not your. I know, but kick them out of here now. Move. Oh, okay. हम लोगों को बाहर भगा दिया। The Shadow Trade, what's their deal anyway? Team Skull, where did you vanish to? Okay, अब क्या करें? The Shadow Trade, okay, with their superhuman powers, they can immobilize people and then disappear, okay. But I am more concerned with the Feba said. Once again, we will use the legendary Pokemon and we will rule the Unova region. What could that mean? The legendary dragon type Pokemon Reshiram and Zekrom aren't in Unova anymore. Oh me, there's something I want to look into, so I'm going to head to Route 6. Be careful out there. वो सब तो ठीक है, but अभी मुझे क्या करना है वो मुझे कुछ नहीं पता। वेट आई विल, ए वेट मैंने ये सिलेक्ट कब करके रखा है? इसको पहले हटाओ यहाँ से। ड्राउजिंग मशीन ठीक है, ओके राइट भी ठीक है, चलो। पहले पोकेमॉन हील करेंगे एंड इसके बाद देखेंगे मुझे जाना कहाँ पे एक्चुअली में। नर्जॉय जल्दी पोकेमॉन हील कर दो, फिर देखते हैं कहाँ पर जाना है। वैसे तो वो शैडो ट्रेड से हम लोगों को भगा ही दिया। वैसे नेट ने तो हमको बोला कि वो रूट 6 पे जा रहा है। लेट्स सी रूट 6 है कहाँ पे। वेट आई गेस, अच्छा आगे जाएगा यहाँ से। यहाँ से आई गेस लेफ्ट मतलब वेस्ट होता है और राइट मतलब ईस्ट होता है, तो ये अभी वेस्ट की तरफ जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग भी वेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि रूट 6 पे। यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन है क्या जो हम लोग हमारी टीम में ऐड कर सकते हैं? नहीं, शेलमेट को तो मैं ऐड नहीं करने वाला ऑब्वियसली। बैटल करेगी, आ जा कर ले। एक मक, कोई ना, वी हैव बोन रश। चेन सी, आर यू सीरियस? कितने क्यूट पोकेमॉन है ये, बट क्या करे, तू मेरी एनिमी है, मुझे तेरे को ख़त्म करना ही पड़ेगा।
एक चीज़ मेरे को करनी है, गॉलिस रिपोर्ट का एक स्पीशियर हटा देता हूँ। एंड पता है उसको मैंने खुद से नहीं दिया था, लाइक उसके पास ऑलरेडी था। हील पल्स सीख रहा है, कौन सा प्रोग्राम हील पल्स सीख रहा है? ओ ये सही है, बट ऑब्वियसली हील पल्स मैं इसको नहीं सिखाऊंगा। बेसिकली वो जिस किसी को भी टारगेट करता है उसको हील करता है, सो ऐसा क्यों मैं मूव सिखाऊंगा? आई मीन यार ये ठीक है, ये डबल बैटल में काम आ सकता है, बट वैसे भी डबल बैटल्स कम ही खेलता हूँ मैं। सो कोई नहीं, कर ले बैटल, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं अभी तुम लोगों को ऐसे अवॉइड करूँ फिर जब मैं, ओ इसके पास एक फ्रॉगेडियर है। हाँ तो मैं जैसे कि बोल रहा था कि मैं अभी इनको बैटल करूँ, अब बैटल अवॉइड करो इनसे, एंड फिर आगे जाके ये लोग जब भी मुझे रास्ते पे मिलेंगे तब मेरे को ये लोग अनॉय करेंगे, वो मैं नहीं चाहता। सो इससे अच्छा है कि ये लोग अभी बैटल कर लेते हैं इनसे। कितना टाइम लगता है, इनके पोकेमॉन्स कितने अंडर लेवल है मेरे से, सो दैट्स वाई। अब मुझे समझा इसके पास सारे के सारे वाटर टाइप पोकेमॉन होने वाले, वो भी सेकेंड स्टेज के। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज़ माई सरीना द क्वीन। ओके फोर टोटल, चलो ये भी गया। हमारा ये पोकेमॉन कितना ज़्यादा लेवल अप हो चुका है, वेट इससे पहले कि वो कुछ, छोड़ो यार एक्सपी शेयर दे के रखता ही हूँ, क्या पता वो कोई अच्छा मूव सीख ले। वाइल्ड पोकेमॉन्स, पता ये चार्जबग काफ़ी सही पोकेमॉन होता है, लाइक सीरियसली ये एक इलेक्ट्रिक टाइप और कौन से टाइप का पोकेमॉन होता है, इलेक्ट्रिक टाइप और आई गेस बग टाइप होता है। क्या ये आगे जाके वाइका वोल्ट में विकसित होता है? नहीं मुझे लगता तो नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा इसको कैच करने का, बिकॉज वाई नॉट ना। आ जा ब्रो, मेरे को बस देखना है, आई एम जस्ट क्यूरियस। मैं इसको टीम में ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसको देखना चाहता हूँ कि लाइक ये कौन से टाइप का पोकेमॉन है, बिकॉज मुझे डाउट है क्या ये वाइका बोल्ट में इवॉल्व होता है? नहीं 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 होता आई गेस। लेट मी जस्ट सी, इसकी एबिलिटी मुझे पता है, जिससे कि अपने सारे पोकेमॉन्स के वो बढ़ जाते हैं स्पेशल अटैक। नहीं यार इसकी तो अलग ही है, मेरे से धोखा हो गया गाइस। ठीक है मैं इसको डिपॉजिट कर दूंगा, मैं इसको ओवरले में भी ऐड नहीं करने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं करने वाला। दैट्स इट, एक गिव वाला हो, वाह स्वॉर्ड डांस यूज़ कर लेता पहले तो, दिखाऊं मेरा क्विक अटैक कितना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। सैंडी गास्ट, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि बाकी ने पहले वाले को तो इजीली हरा दिया था, लेकिन क्या हम इसको हरा पाएंगे? जी हाँ ऑब्वियसली हरा पाएंगे, बिकॉज मेरे पास लेवल का एडवांटेज है। अभी एक फ्लेचिंग डी आ रहा है, आई नो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्विक अटैक। एजिलिटी यूज़ कर ली इसने, बट फ़र्क क्या पड़ता है, क्विक अटैक हमेशा फर्स्ट हिट करता है, इट डजेंट मैटर। फिर से चार्जर बग आ रहा है, इसके लिए ना मेरे पास, हम लोग सरीना से इसको पिटवाएंगे, हम लोग इसके सामने स्टॉम्प यूज़ करेंगे। पहले तो इसको कन्फ्यूज़ करेंगे ताकि तू खुद को हर्ट कर ले ब्रो, और टीटर डांस हमेशा काम करता है, लाइक वो खुद को हर्ट कराने में सक्सेसफुल होता ही है। इसका डिफेंस तो काफ़ी स्ट्रांग है, इतना तो मानना पड़ेगा मुझे। पर गाइस मुझे बताना चार्जर कौन से पोकेमॉन में इवॉल्व होता है, या फिर इवॉल्व होता ही नहीं है ये पोकेमॉन। स्टेल्थ रॉक, ओके क्या फ़ायदा हुआ, मैं पोकेमॉन चेंज ही नहीं करूँगा। ओके मैंने इसको हरा दिया। अरे यार ये वाइल्ड पोकेमॉन ना, शेलमेट, फिर से शेलमेट आ गया। लेट मी सी यहाँ पे क्या मिला, एक एलिक्सर। ओके एक काम कर रहे थे, मेरे पास आई गेस बैग में रिपेल है, तो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे रिपेल्स हैं तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे नेट खड़ा है। ओ ओमी कैन यू कम विथ मी फॉर अ मोमेंट? श्योर, ओके लेट्स सी ये हमको कहाँ लेके जा रहा है। डियर लिंग, ओके नो वन रियली टॉक्स अबाउट इट, बट द रिकॉर्ड शोज दैट देर वॉज अ सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर नियर लैक्यूनोसा टाउन। इट वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट, बट इट वेंट डाउन फॉर
low as -58 Fahrenheit. Okay, not only that, but similar temperatures were recorded around Castalia City and Riffel City. On top of that, that incident with Team Skull. I think this needs some investigation before things go bad. I hate cold weather though. I will give you this. It's a hidden machine that contains surf. With this, people go to different places and check what's going on, okay? Let one of your Pokemon learn surf and you can travel across the water. मेरे पास कोई वाटर टाइप पोकेमोन है ना है ऑब्वियसली गोलीस्पॉट है ना लेकिन वो एक फिजिकल पोकेमोन है बट ठीक है कोई बात नहीं सॉरी टू हैव यू स्लोड यू डाउन सम स्ट्रेंज थिंग्स मे बी हैपनिंग सो बी केयरफुल ऑन योर जर्नी ओके थैंक यू काम करते हम लोग हमारे पोकेमोन को सर्फ भी सिखाई देते लगे हाथ सीख तो जाएगा ना कॉलेज पढ़ा ऑब्वियसली सीख लिया लेकिन उसका फिजिकल अटैक काफ़ी ज़्यादा है स्पेशल अटैक देख सकते हो ज़्यादा अच्छा नहीं होता और मैं पिन मिसाइल हटा देता हूँ वैसे भी मेरे पास एक्सीजर है तो मेरे पास दो दो बग टाइप मूव्स की ज़रूरत नहीं है चलो ओ तो तू फाइट करेगा मेरे से ब्रो आजा कर ले एक मिमिक यू वाओ लेट मी यूज स्वॉर्ड डांस उसने यूज कर लिया एक्स अटैक आई एम सो सॉरी मिमिक यू बट कोई बात नहीं डिट्टो आ रहा है डिट्टो के लिए मैं चाहता हूँ कि तू ट्रांसफॉर्म हो तो जाके मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा उसकी एबिलिटी इम्पोस्टर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है सही है यार फिर तो मेरे को भी एक अपने टीम में डिट्टो चाहिए लेट मी यूज़ एक्सीजर्स वो मूव्स भी कॉपी कर लेता है और क्या टाइप भी चेंज हो जाता है उसका आई गेस हाँ फिर तो मानना पड़ेगा एक डिट्टो काफ़ी सही है ओके अरे मैडम जी आपको भी बैटल करना होगा ऑब्वियसली बोन रश काफ़ी है तेरे लिए विशीवाशी आई हैव अ पोकेमोन फॉर यू ओके गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस ये पोकेमोन की एबिलिटी है स्कूलिंग जिससे कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है बट मैंने उसको चांस ही नहीं दिया बड़ा होने का इपनो आ रहा है इपनो का डिफेंस काफ़ी तगड़ा होता है लेट मी ट्राई फ्लाइगॉन आई गेस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्रंच बिकॉज ये एक साइकिक टाइप पोकेमोन है ऑब्वियसली ओके इनको भी हरा दिया ये क्या है ऊपर ऊपर एक मून स्टोन ओके यहाँ पे मुझे ज़्यादा फाइट्स तो नहीं करनी किसी के साथ ये क्या था क्या है ये बजबूल आई गेस सो हाँ ये बजबूल ही था इस गेम में लेजेंडरीज भी चेंज कर दिया दैट पोकेमोन एल्डरली मैन इट्स द लेजेंडरी पोकेमोन कॉल्ड बजबूल इट आई टोल्ड यू द स्टोरी द पो क्या 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 आई टोल्ड यू द स्टोरी द अदर डे राइट ओ बजबूल वॉट अ नोबल प्रेजेंस ओके दे से द थ्री पोकेमोन बजबूल निहिलिगो और फेरमोसा फॉट अगेंस्ट डी टीज ऑफ दैट टू प्रोटेक्ट अलोला इफ द अल्ट्रा बीस्ट इज हियर मे बी वेन पीपल फाइट देर इज नो पीस फॉर पोकेमोन ईदर द गार्डियन डाइटीज हेल्प कीप पीस एंड द डीड्स ऑफ ह्यूमन कुड लीड टू डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर वर्ल्ड ओके But why did it show up in front of people? Is it patrolling the Unova region to find the guardian deities? It may be hunting the deities to eliminate them once and for all, okay? Or it is causing a new problem? Unforgivable. So the reach of the Lusamine's ambitious and malice is growing ever wider and wrapping the lives of all it touches, okay? Did Buzzwole appear in front of you merely by accident? Or to plead with you to solve her problem. Unlike Lord Anne,
आई डोंट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ पोकेमोन, देयरफॉर आई डोंट नो व्हाट द पोकेमोन इज थिंकिंग, ओके, बट इफ यू कैन बी फ्रेंड बजबोल, इट विल बी द ग्रेट एसेट टू यू ऑन योर जर्नी. हाँ मे बी, बट ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल यूज अ रिपल. और अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ज स्टोन केव में. यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स देखने को मिल सकते हैं. वो आई गेस ये तो वो है ना, क्या नाम था इसका, ग्रीन हाइट वाले का नाम कुछ तो था यार, मैं भूल गया, बियांका. ओके, डिड यू नो दिस, इफ़ यू कैन पोस्ट द फ्लोटिंग स्टोन्स दे मूव. एज ऑलवेज दिस प्लेस इज चार्ज विद द लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पोकेमॉन लाइक. द इलेक्ट्रिक चार्ज रिएक्ट from one stone to another, so that's why there are floating stones. You can't push all of them though. Okay, oh that's right, I came here to research something. Be seeing you. Okay, तो गाइस एक काम करते हैं, अभी हम लोग ये आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पे चार स्टोन केव में क्या होने वाला है हमारे साथ. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई नो वीडियो छोटी है आज की, बट क्या करूँ, आज की वीडियो को बनाने के टाइम पे बहुत सारे बैकग्राउंड में नॉइसेस हुआ है, तो मुझे एडिटिंग में कट करने पड़ेंगे. आपको सुनाई नहीं देंगे, मे भी थोड़े से सुनाई देंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं. मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड पीस आउट, बाय.